हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राइट डायरेक्शन एकेडमी। चलिए बच्चों, आज एसएससी एचएसएससी मतलब हरियाणा वाले का तीसरा पार्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने अब तक कवर करवाया है आपको कुछ जो टॉपिक अपने कवर किए थे। हमने पहला टॉपिक कवर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ा था हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्री चतुर्भुज, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बता रहा हूँ, ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो आते हैं। तीसरा पढ़ा था सिमिलर ट्राइंगल, वो भी क्लियर है। चौथा पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। आज अपन पढ़ते हैं पांचवा अजीब टॉपिक है, उसको हम देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, है ना। तो आप अपनी कॉपी में लिखें पांचवा टॉपिक। सॉल्यूशन ऑफ, ऐसा करो टू लाइन्स लिख लें हिंदी में, दो सरल रेखा का हल, सॉल्यूशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, मैं सरप्राइज हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया आपके सब में, है ना, हरियाणा के एसआई में, कांस्टेबल में, पटवारी में, सब में मैंने देखा ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है और आप देखेंगे 10-15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपको पता है स्ट्रेट लाइन क्या होता है? सरल रेखा, सबको पता है सरल रेखा। अगर मैं किसी ग्राफ में इस तरह की लाइन बनाऊं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, है ना। अब स्ट्रेट लाइन का समीकरण अगर कोई बोले तो ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, आ रहा है, यस विजिबल है, ठीक है। ये सरल रेखा को बताता है, सबको इतना तो आता है। मतलब अगर मैं बोलूँ किसी को कि 5x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू जीरो, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। अब इसमें दो लगा दोगे तो सरल रेखा नहीं रहेगी, इसमें दो लगा दोगे तो सरल रेखा नहीं रहेगी। स्ट्रेट लाइन में x और y की एक डिग्री होती है, x की पावर भी एक, y की पावर एक, यहाँ तो ठीक है, चलो। अच्छा, ऐसे मैंने बोला दो लाइन है, एक तो a1 b1 c1 कर लेते हैं और एक कर लेते हैं a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द टू लाइंस, तो इसका मीनिंग देखते हैं। जब भी कहते हैं ना दो रेखा का हल बताओ, इसका मतलब आपको ये बताना है कि दोनों लाइन कितने पॉइंट पे कटेगी, ठीक है। इसके तीन सॉल्यूशन होते हैं, देखो कितना जबरदस्त। हम पूरी मैथ्स पढ़ेंगे ना, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें उससे बाहर नहीं आएगा। इसके तीन सॉल्यूशन होते हैं, कैसे? एक ऐसी चीज होती है कि भाई ये लाइन और ये लाइन सेम ही हो, ये लाइन इसके ऊपर ही दूसरी लाइन हो, है ना। अच्छा, मैं बताता हूँ, जैसे अभी लिखो नहीं, आप बोर्ड पे देखो, है ना। जैसे एक मैं बोलूँ कि 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू जीरो, क्या ये एक सरल रेखा को बता रहा है? बता रहा है। अब मैं लिख दूँ आपको बच्चों 6x माइनस 10y प्लस 14 इक्वल टू जीरो, तो आपको कुछ लगा कि दूसरी इक्वेशन क्या है? अरे वही तो, इसको तीन से गुणा करके लिख दिया, इसको तीन से गुणा किया, सॉरी दो से गुणा कर दिया, दो तीन छः, दो पंजे दस, दो से चौदह, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं कि दोनों लाइन एक के ऊपर एक है। मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं कि लाइन्स आर ओवरलैपिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं कि रेखाएं परस्पर अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है। अच्छा, डरना नहीं है, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी है। मतलब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये तो दोनों लाइन सेम ही है, इसको दो से भाग दे दो तो ये बन जाएगी, तो कोई बात नहीं, सेम है ये लाइन, ये रही, और ये लाइन इसी के ऊपर। तो आप बता सकते हो दोनों लाइन कितने पॉइंट पे मिलेगी? अरे एक के ऊपर एक ही बैठी है तो इनफाइनाइट है, तो इसको बोलते हैं अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। चीजें बड़ी अजीब है पर हर एग्जाम में आती है, आपके एग्जाम में तो मैंने देखा बहुत सारी है। अब देखो, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि तीन में मैं छः को भाग दूं तो कितना आएगा? तीन में छः को भाग दूं तो कितना आएगा? 1/2। और माइनस 5 में माइनस 10 को भाग दूं तो 1/2।
और साथ में 14 को भाग दूं तो 1/2। तो इसको पता है जनरली क्या कहते हैं, यदि दो समीकरण में a1/a2 आ जाए कहीं, या b1/b2 आ जाए, या c1/c2 आ जाए, अगर ऐसा कहीं मिल जाए तो हम बोलेंगे समीकरण क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देते हैं। याद रहेगा, है ना, इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब देखो, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, अभी आप लिख लेना बाद में, मैं आपसे बोलूँ कि 2x-5y+10=0 और 7x+ky+m=0। मैं आपसे बोलूँ कि बताओ k और m का क्या मान हो कि इसके इन्फाइनाइट हल हो, तो आप बोलोगे अच्छा सर 2/7 -5/k=10/m, बस ऐसे करो। और इन दोनों समीकरण को हल करोगे तो k का मान होगा 7-35/2, और इसको हल करोगे तो m का मान होगा, ये क्रॉस करो 5, तो m बराबर हो गया 35, है ना। देखो 2 से कट गया, 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35, इसको और इसको हल करोगे तो एम आ जाएगा, इसको हल करोगे तो के आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है ये ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन है, आप ज़्यादा टेंशन नहीं करना, क्योंकि आपके लेवल पे अभी देखते हैं क्वेश्चन कितने आसान आए। तो ये हुआ पहला टाइप, आपको लिखना हो तो लिख लो यहाँ तक, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल, सबसे पहला टाइप क्या है, दो रेखाओं का हल। अगर ऐसी समीकरण है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ जाए, तो आपको बोलना है कि ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, आप लिखो, मैं क्या लिखी थोड़ी सी सेटिंग भी करना भूल गया, कर देते हैं। देखो इसको जल्दी से लिख दो, तो आपने देखा कि समी क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बताता हूँ। बस आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि अच्छा दो लाइन के समीकरण सेम है, सेम है मतलब एक लाइन एक के ऊपर है, तो एक लाइन एक के ऊपर है तो अनंत हल है, और क्या। और कब होगा, जब इसका इसका भाग, इसका भाग, इसका भाग। अब क्वेश्चन का तरीका क्या है, एक की जगह के कर देगा, बोलेगा के का मान बताओ, इन सब में किसी की जगह ए लिख देगा, बोलेगा ए का मान बताओ। अच्छा, या तो क्या बोलेगा, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या बोलेगा दोनों लाइन सेम है, ये दोनों वर्ड आ जाए तो उसमें आपको ऐसे करना है। ऐसे मैंने छोटा सा एग्जांपल दे दिया कि इसमें बोलेगा ये दोनों लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो बताओ के का मान और एम का मान क्या है, ये क्वेश्चन है। ये इतना तो नहीं लिखा हूँ, समझ में आ रहा है क्या आपको। ये बोलेगा इनके अनंत हल है तो बताओ के और एम के मान क्या है, तो आपको क्या करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, बस ऐसे कर दो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो के आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एम आ जाएगा, बस सीधा सा आंसर है, ठीक है। तो इस वाले को लिखा क्या आप लोगों ने, मैं दूसरा इसका टाइप लिखूं क्या, आप जब आपके एग्जाम में इन्होंने इसको टच कर लिया तो इसको भी कर सकता है कभी, क्योंकि इसके 3 सॉल्यूशन होते हैं, तो आपको भी सोचना नहीं है कि सर अभी तक तो यही पूछा गया, कोई बात नहीं ये भी आ सकता है। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ कि 2x-3y-11=0, और एक दूसरी इक्वेशन है 8x-12y+5=0, ठीक है। बस तीन आते हैं आपके इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब देखो मैंने क्या लिखा है बच्चों, देखो ध्यान से देखो, 2 में 8 का भाग देने पे क्या आएगा, 1/4, और -3 में -12 का देने पे क्या आएगा, 1/4, पर -11 में 5 का भाग देने पे नहीं आएगा, तो ये गलत है। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें a1/a2 = b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अच्छा, अब अपना फोकस वो तो नहीं है कि भाई हमें बहुत डिटेल में जाना है, तो आप थोड़ा सा ये बस देखें
कि कोई भी लाइन होती है ना, ये वाला ठीक है इसको मिटा दो, हाँ बस एक चीज़ देखें कि कोई भी जो लाइन होती है ना उसका एक टर्म्स होती है स्लोप, हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। स्लोप हमेशा बताता है माइनस एक्स का कोफिशेंट बटे वाई का कोफिशेंट, स्लोप बताता है इसका स्लोप, या फिर बोलते हैं प्रवणता, मतलब कितनी झुकाव है उसको ऐसा बोलते हैं। अब इतना तो आपको नहीं जानना है, छोड़ो मैं तो ऐसे बता रहा था, मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें ना स्लोप सेम है, अगर ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है तो देखो b1 नीचे जाएगा तो a1 by b1 और a2 by b2 क्या है बराबर। तो हम बोलते हैं ये लाइन पता कैसी है, एक लाइन यूँ जा रही है और दूसरी लाइन उसी झुकाव की है, झुकाव की मतलब बिल्कुल ऐसे, तो ऐसी लाइन कभी मिलेगी नहीं एक आपस में, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं बच्चों? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। तो ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चन में बोलते हैं लाइंस आर पैरेलल, रेखाएं समांतर है। अच्छा जब रेखाएं समांतर हो तो बच्चों कितना सॉल्यूशन होता है? जीरो हल, जीरो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब कहीं कटती है क्या? हाँ यहाँ तो इनफाइनाइट पे कट रही थी, एक के ऊपर एक ही थी, यहाँ पे नहीं कटते, जीरो हल बस। तो अब वही है ना, समीकरण दे देंगे बोलेंगे इसका जीरो हल के लिए बताओ ए का मान क्या है, बस ऐसे याद रहेगा। क्वेश्चन अभी आते हैं, इसका तीसरा केस लगा दूँ, ये लिख लिया समांतर का, ठीक है लाइन्स आर पैरेलल, रेखाएं समांतर होगी, जीरो हल होते हैं। अच्छा तीसरा है सब अलग, ए बराबर ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू, सब अलग अलग हो मतलब रेखाएं बिल्कुल अलग है समांतर नहीं है तो एक पॉइंट पे पक्का कटेगी, कोई भी दो लाइन बना दो चाहे अभी दिख नहीं रहा आगे जाके कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जरूर कटेगी, तो इसका होता है एक सॉल्यूशन, एक हल। बस इतना सा टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ टू लाइंस, ठीक है। अब अपन आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, पहले मुझे बता दो। हाँ बच्चा देखा ये क्या ना, कोई भी बराबर नहीं है तो ये रेखा अलग अलग है, अलग अलग मतलब समांतर नहीं है भाई, एक लाइन ऐसे जा रही है एक लाइन ऐसे जा रही है, आप उसको बढ़ा दो कहीं ना कहीं जाके आगे एक बिंदु पे कटते हैं, बस एक ही पे कटती है रेखा है, एक यहाँ बना लो एक यहाँ बना लो कहीं ना कहीं जाके कटेगी जरूर एक ही पॉइंट पे बस, है ना। कोई भी तो रेखा है अगर समांतर होती है तो कभी नहीं कटती, और एक के ऊपर एक होती है तो अनंत पॉइंट पे कटती है, और असमांतर होती है तो एक ही बिंदु पे कटती है बस, तो बस इसका एक हल होता है, एक हल, ठीक है। देख लें क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार, चलो देखते हैं क्वेश्चन, मैं बिठा दूँ इसको। तो चलो थोड़ा सा फंडा याद रखना और आप देखो कितने आसान से क्वेश्चन हैं, सॉल्यूशन ऑफ टू लाइंस के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बस टारगेट ये है कि अगर आपके पेपर में आए और आपसे हो जाए तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, है ना। चलो देखते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक आपका सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ, हरियाणा ग्रुप डी पेपर 18 नवंबर 2018, ठीक है क्वेश्चन नंबर 27 है इसका। चलिए आप तो कोई बात नहीं, आप तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अब मैं बोलता हूँ आप ध्यान से लिखें, यदि समीकरण 3x - ay = 9, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगा, पहले हिंदी में बोल रहा हूँ, यदि समीकरण 3x - ay = 9 और x + y = 3 समान रेखा दर्शाते हैं तो a का मान क्या होगा। इंग्लिश में इफ इक्वेशन 3x - ay = 9 एंड x + y = 3 रिप्रेजेंट सेम स्ट्रेट लाइन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, आंसर प्लीज। अब देखो पहला केस है सेम रेखाएं हैं तो लिख दो 3/a लेना है एक्स के साथ जो है 1 = -a/1
इक्वल टू, कोई बात नहीं इक्वल, ये इधर नहीं लिखा है तो इधर ही रहने दो, हमने क्या जा रहा है, 9/3, बहुत ही सुंदर। अब यहाँ से चाहे तो इसको ले लो या इसको, वो तो 3 ही आएगा, तो माइनस ए बराबर 3, तो ए बराबर कितना हो गया 3, तो ये सीधा टिक मारा, 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, याद रहेगा, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके। अब देखो मैंने तो आपको 3 केसेस बता दिए, पर अधिकतर आपके पहले केस के ही क्वेश्चन आए, ठीक है। हरियाणा ग्रुप डी पेपर 17 नंबर 2018 का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। अच्छा, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है पर थोड़ा सा नाम बदल दिया। देखो देखो क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण, देखो सेम क्वेश्चन, तो ये सब आएंगे बच्चा, एक्स माइनस 2y = 3 और 2x + by = 6 समान रेखा को दर्शाते हैं, तो b का मान, इफ दिस रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेट लाइन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, जल्दी से बताओ, 4 या -4, -4। देखो अरे कितना सिंपल, 1/2 बराबर, यही ले लो ना, एक ही, उसके बाद अरे जरूरत ही नहीं है इसकी, तो b बराबर क्या आ गया, -4, सीधा आंसर है ना। तो बस वही ना, पढ़ा नहीं होता है तो चीज़ें हार्ड लगती है, और पढ़ा होगा तो बड़ा आसानी से हो जाती है। अरे यार बार बार बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन आया है हरियाणा ग्रुप डी पेपर, इसमें भी सेम क्वेश्चन आया, तो उसको अपन नहीं लिखते, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हल्का सा इक्वेशन बदल दिए, ठीक है बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन है देखते हैं अपन, लिखो, ये हरियाणा ग्रुप डी का पेपर है, एक और देखते हैं। चलिए यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। चलो अब आप बताओ, समीकरण x/a + डरना नहीं है, कुछ भी आ जाए उल्टा पुल्टा, y/b = 2 कोमा ax - by = a² - b² की प्रणाली के हल हैं, की प्रणाली के हल हैं, इंग्लिश में लिखें, x/a + y/b = 2 एंड ax - by = a² - b² देन व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। अच्छा, चीज़ें हल्की सी अलग हैं पर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि भाई हर बार सेम तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ चेंज कर सकता है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ, y = -b = -a एंड y = b, ठीक है। देखो इसका मीनिंग देखते हैं अपन। अच्छा आप ये बताओ, जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक समीकरण है 2x - 3y = 1, ऐसे बोल दो, और मैं बोलूँ कि बताओ इस रेखा का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मतलब ये एक लाइन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट नहीं होंगे, तो अगर मैं बोलूँ इस, ये एक्स बराबर एक 2 पॉइंट है। अच्छा आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट को कैसे लिखते हैं, 2, 1, ये पॉइंट को बता रहा है, 2, 1 मतलब एक ऐसा बिंदु जिसका x क्या है 2 और y क्या है 1। तो चलो इसमें 2 रख के देखते हैं, 2 × 2 = 4 और 1 रख के देखते हैं -3, अरे वाह 1 आ गया, तो ये पॉइंट इसके ऊपर आएगा, समझे क्या, ये पॉइंट क्या आएगा इसके ऊपर आएगा। अच्छा अब आप बताओ, एक लाइन तो ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, तो जो पॉइंट इस पर होगा वो इस पर तो नहीं होगा, पर एक ऐसा बिंदु होगा जो दोनों लाइन पर होगा, इसको कहते हैं सॉल्यूशन। आपको ये बिंदु बनाना है जो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, है ना। तो हम स्कूल में इसको सॉल्व किया जा करते थे 2 समीकरण को, अब यहाँ पर भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके लिए ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं है, क्या करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सीधा ऑप्शन से आंसर आ जाएगा, कुछ सेकंड का सवाल है। देखो ये पहला ले लो ए और बी, यहाँ पे रखा ए और यहाँ पे रखा बी, तो कट गया तो 2 आ गया, आ गया। अब यही ए बी को यहाँ पे रख दो, यहाँ पे ए रखा तो क्या आया a² और यहाँ पे बी रखा तो b², अरे ये तो पहला ही आंसर है। जो चीज़ रखने पर समीकरण पहले वाली भी सत्यापित हो जाए और दूसरी वाली भी हो जाए, तो वही उसका सॉल्यूशन है। अब आप देखो ये करके देखो, -a रखा -b रखा तो -2, -2 का है +2 आना चाहिए, समझे। तो इतना सिंपल भी क्वेश्चन आपके आ जाता है, लिखो जल्दी से लिखो। तो एक आप भी बता दो, एक क्वेश्चन और आया था, अरे बारिश आ रही है क्या, अरे वाह गिर तो नहीं जाएगा, ऐसे ही है दिल्ली की बिल्डिंग है ना,
थोड़ा सा धक्का मारोगे तो खसक भी जाएगी उधर दीवार। कोई पानी आ रहा है ऐसे को, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना, चलने दे, बंद ही कर दें थोड़ी देर के लिए ना। पता नहीं रिमोट भी क्या रख दिया। चलिए देखते हैं एक बार। बहुत बारिश आई इस बार है ना दिल्ली में, पापी कम हो गया लगता है दिल्ली में ना। अच्छा देखो एक क्वेश्चन देखते हैं ग्रुप डी का समीकरण। अब आप बताना सब बच्चे समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई, और यार ये तो कुछ गड़बड़ी लग रहा है, माइनस ए प्लस बी बराबर जीरो और बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी बराबर जीरो की प्रणाली के हल। ठीक है, इन द सिस्टम ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो विल गिव द सॉल्यूशन। अब इसका पहला ऑप्शन देखते हैं इस क्लास में कौन बताता है सबसे पहले। पहला है इसका x बराबर ए प्लस बी, देखते हैं सही कौन बताता है, a माइनस बी, x बराबर माइनस ए प्लस बी, और जब 10 सेकंड में नहीं बताया तो मतलब भी क्या हुआ शॉर्टकट का, मतलब 20 सेकंड तक ले लो बस ज़्यादा ज़्यादा। ए बी सी डी कौन सा सी, अरे वाह वेरी गुड। और कोई? अब आप बोले सर ये तो क्वेश्चन अलग है, पहले अलग था, अरे क्या हुआ, इधर बराबर दो दे रखा था, बराबर ये दे रखा था, इधर इधर ही लिख दिया, तो सीधे से बातें यहाँ जीरो आना चाहिए कुछ भी रखने पर, है ना। पहला मैं यहाँ पे मैं ए प्लस बी रखूँ और ये रखूँ तो जीरो तो नहीं आएगा, या तो माइनस ए प्लस बी है या ए प्लस बी रखते ही ए स्क्वायर ए बी पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, है ना। ये ए प्लस ये दोनों तो वैसे ही देखते पता चल रहा है कि इसको पूरे को यहाँ लिखोगे इससे गुणा करके अजीब लगेगा। यहाँ पर पहले इसको चेक कर लेते हैं, एक्स बराबर वन रखने पर आया ए और y बराबर माइनस वन रखने पे आया माइनस बी, माइनस ए प्लस बी, जीरो हो गया क्या, अरे वाह जीरो हो गया। यही चीज़ इसमें रख के देख लेते हैं, x बराबर वन रखा तो आया b, y बराबर माइनस वन रखा तो माइनस माइनस प्लस a, ये आना चाहिए ना बच्चों, माइनस ए माइनस बी जीरो आ गया, अरे वाह ये भी जीरो आ गया, बहुत अच्छे। तो ये सॉल्यूशन है भाई, इतनी सी बात है कोई टेंशन नहीं करना, ठीक है बताओ कर लोगे, वेरी गुड। अरे यार इसको भी मैंने हटा दिया। चलिए तो मेरे ख्याल से आप सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। यही क्वेश्चन आपके बार बार आ गया है ना, एक बार फिर भी इन्होंने पूछा है, सेम ही क्वेश्चन आ गया एक बार फिर, है ना, दो पेपर में सेम क्वेश्चन आ गया आपका। चलो कुछ नया देख लेते हैं, है बच्चा, हाँ सेम आया था ना ग्रुप डी में। अच्छा चलो एक एक और क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है समीकरण ए एक्स प्लस नो वाई इक्वल टू वन और नो वाई माइनस एक्स माइनस एक बराबर जीरो समान रेखा को दर्शाते हैं तो ए बराबर होगा इफ ए एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल टू वन एंड नाइन वाई माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेट लाइन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, अरे भाई डिवाइड कर लो, अरे डिवाइड वाला ना, अब डिवाइड में क्या रखना है, यहाँ एक्स के साथ कौन है ए बटे, यहाँ पे एक्स के साथ कौन है माइनस वन, बहुत ही सुंदर, वाई के साथ कौन है नाइन बटे, वाई के साथ कौन है, बस इसी को ले लो, बाकी की क्या जरूरत है, सी वन सी टू की जरूरत ही नहीं है, तो कट गया वन, तो ए बराबर क्या हो गया माइनस वन, सीधा सीधा ही आंसर है और क्या, ठीक है। जो बोला है उसको ध्यान रखना है, कॉफिशियंट एक्स का जो होता है उसको ए बोलते हैं, है ना, वाई का कॉफिशियंट को बी बोलते हैं और जो बाद में कॉन्स्टेंट होता है उसको सी बोलते हैं। अब आपने बोला नहीं सी भी लिख कर बताओ, लिख दो सी, इसका सी वन है और ये भी उधर जाएगा तो वन बाई वन ही आएगा और क्या, वो भी वही है, उससे भी सेम आंसर आएगा, है ना, पूछना पड़ेगा अगर नहीं आ रहा है तो आपको बताओ। और एक लास्ट क्वेश्चन इसका जो आया वो भी अपन देख लेते हैं, अरे ये भी सेम है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है कि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 और 9x माइनस 3y प्लस सी बराबर 0
के समान है, नहीं मतलब के समान नहीं है, ये समीकरण समान है तो सी का मान होगा, ठीक है. इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर इक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, बता 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 सी की वैल्यू क्या होगी, है ना. ऑप्शन है पहला 15, दूसरा है -15, तीसरा है -10, नन ऑफ दिस, -15 वही आ गया. अभी देखो सारे क्वेश्चन वही चल रहे हैं, 3/9 इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट कौन है, -1. अच्छा उसकी जरूरत ही नहीं है, मतलब कॉन्स्टेंट से मतलब है, चलो कोई बात नहीं लिख लेते हैं. -3 इक्वल टू, देखो ये देखो बराबर के बाद 5 लिखा है, तो या तो पहले उसको भी वैसे ही लिखो या उसको उधर लेके आओ, तो सी जब उधर जाएगा तो क्या होगा, -c. बिल्कुल सेम सेम तरीके से लिखना है, उसके बाद आपको रखना है. तो आप बोलोगे 5/-c. अब देखो चाहे इसको ले लोगे तब भी 1/3 आएगा, इसको ले लोगे तब भी 1/3 आएगा. तो आप बोलोगे 1/3 बराबर 5/-c, तो c उधर जाएगा और आ जाएगा -15. कितना सिंपल, मान के चलो. तो चलिए बच्चों ये वाला टाइप आप कर लोगे, तो चलो देखते हैं इसका अगला टाइप, ठीक है. चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं 6th टॉपिक, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता. जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको पूरी मैथ्स तो नहीं पढ़ा रहा, पर मैं मैथ्स के जो टॉपिक हरियाणा उसमें आए उसी को मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है. तो वैसे तो प्रोबेबिलिटी के लिए आप मेरी कुछ वीडियोस दे सकते हैं, मैंने परम्यूटेशन पढ़ाया है, कॉम्बिनेशन पढ़ाया है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जो मैंने यूट्यूब पर डाले हैं, पर हमें उतना जाना ही नहीं है, ठीक है. अभी हमें इतना आसान क्वेश्चन है, अपना फोकस आपके एग्जाम है, तो प्रोबेबिलिटी में नहीं पढ़ा रहा, प्रोबेबिलिटी के सिर्फ वही तरीके जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल. पहले तो जाना प्रोबेबिलिटी होता क्या है, है ना, प्रायिकता क्या होती है. अच्छा किसी चीज़ के होने की संभावना, है ना, द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, है ना, कोई इवेंट के कितने संभव मान है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, है ना, प्रायिकता. हाउ मेनी अकरेंस इज अ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक घटना के घटित होने की कितनी संभावना है. अब ये बड़ा अजीब लगता है प्रोबेबिलिटी, है ना, ये यहाँ तो काम नहीं आता, आगे कहीं काम आता है, वो हम छोड़ो अभी बात करते हैं. जैसे अगर बात करो कि देखो इसमें प्रोबेबिलिटी, आपको किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसको लिखते हैं पी और इसको लिख देते हैं ई. ई मतलब होता है इवेंट, घटना, ई स्टैंड फॉर इवेंट, घटना, किसी भी चीज़ के होने की प्रायिकता. और वो लिखते हैं वो जो इवेंट होने वाला है वो कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरिंग एन इवेंट एक घटना के होने के कुल तरीके डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट. तो अभी आपको बिल्कुल टेंशन इसलिए नहीं करना है क्योंकि अपना फोकस एग्जाम रखना है ना, कुल घटना. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो अधिकतर बहुत बड़ा सिंपल सा होता है. मैंने एक सिक्के को उछाला, सिक्के को उछाला, तो उसमें या तो हेड आ सकता है या टेल. तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिक्के को उछालने में कितनी घटनाएं हो सकती है टोटल, दो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. अब मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, वन हेड when a coin उछालने को क्या बोलते हैं, टॉस, when a coin tossed कर दो. एक सिक्के को उछाला, तो यहाँ पे आपको करना है कि अच्छा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये दो तरीके से पॉसिबल है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टोटल इवेंट दो और हेड आने की 1, तो 1/2 कोई टाइम है ना भाई. सिक्के को उछा लेंगे या तो हेड आ सकता है टेल, तो घटना कितनी होगी, दो, और हेड आने के तरीके एक, ठीक है. तो आप बोलोगे अच्छा एक हेड आना है मतलब एक तरीका, और उसमें हेड भी आ सकता है टेल, तो ये टोटल इवेंट हो गए. आप समझे, थोड़ा बहुत समझे, आया सर में. अच्छा अब अच्छा चलो रुक जाओ, अभी एक और आएगा. अब मैंने क्या, दो सिक्के को टॉस किया, टू कॉइन्स, दो सिक्के को उछाला. तो देखो मैं बताता हूँ क्या क्या आ सकता है. पहले सिक्के पे हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पे हेड आ जाए, पहला, पहले सिक्के पे हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पे टेल आ जाए,
दूसरे सिक्के पे टेल आ जाए, इस पे भी टेल आ जाए, और इस पे टेल आ जाए, और इतने भी हेड आ जाए, हो सकता है? देखो गर्मी लगने लग गई ना, ये लाइट बहुत 400 वाट है, हाँ इसको चला ही देते हैं। इससे ज़्यादा और हो सकता है? नहीं। तो 1 2 3 4 इवेंट है, पासे को मैंने फेंका तो कितनी घटनाएं हो सकती है? 6। अब वो पूछेगा आपसे कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों पे टेल आ जाए, तो दोनों पे टेल आने की कितना है? 1। तो आप बोलोगे 1/4। वो क्या प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों में सेम आ जाए, तो ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो 2/4, तो कितना हो जाएगा? 1/2। बस ये इतना सा प्रोबेबिलिटी है ना। और ज़्यादा ज़्यादा सिक्का आ जाएगा या पासा आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है ना। आपके कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन तो नहीं आते, जो कि बहुत टिपिकल होते हैं कि 5 में से 2 को चुनना है, ऐसे नहीं आते है ना। तो ये बहुत सिंपल है, इतना सा प्रॉबिलिटी है इसकी। मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे आएंगे। यहाँ तक ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा एक और बात ध्यान रखो कि किसी इवेंट को होने के प्रॉबिलिटी जो होती है और उसके नहीं होने की प्रॉबिलिटी होती है PE बार। अच्छा अभी आपने कहा था कि दो सिक्के को उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 1/4, 1/4। और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 में से घटा दो, कितना? 3/4। तो एक चीज़ ध्यान रखना, किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मिलाकर हमेशा 1 आता है, ठीक है? ये हमेशा 1 आता है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? ये सिंपल है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं कितने सिंपल आए। देखो आप कितने कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं। देखो हरियाणा सब इंस्पेक्टर का पेपर है, उसमें अपन देखते हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे आया है। देखो एक पासे को लुढ़काने पर, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, फिर आप लिखना है ना। एक पासे को लुढ़काने पर एक अभाज्य सम संख्या पाने की प्रायिकता, एक अभाज्य सम संख्या पाने की प्रायिकता, इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, इफ इट डाइज टॉस्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग इवन प्राइम नंबर आंसर 1/6। अब आपको ना ये कंफ्यूज करने के लिए ना दिया है। देखो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं या अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलो 2, उसके बाद 3, उसके बाद ऐसी संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाता है, किसी और का भाग नहीं जाता, और उसमें सिर्फ एक ही होती है जो इवन नंबर होती है। सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही होती है, ठीक है? 2 के अलावा कोई भी संख्या नहीं होती। तो आपको पता है पासे को फेंकोगे तो 6 घटना बन सकती है, और उसमें 2 आने की एक ही होगा, तो 1/6 इसका आंसर। बस बताओ जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, आया? ठीक है चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखें। SSC तबला वादक, अरे वाह है ना, उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तबला वादक का भी एग्जाम होता है क्या? अच्छा तबला बजाना तो आना चाहिए ना, म्यूजिक। अच्छा अच्छा पुलिस के बैंड में, अरे वाह बहुत ही प्यारा। तो इसमें अपन देखते हैं एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अच्छा अब देखो बड़ा अजीब क्वेश्चन आया था इसमें, ए बी और सी एक प्रयोग की परस्पर अनन्य और अंतिम घटनाएं हैं। जैसे सुनो, ए बी और सी एक प्रयोग की परस्पर अनन्य और अंतिम घटना है, इस प्रकार है कि 3 PA 2 PB और PC। तो PA कितना होगा? मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, ABC are absolute and end events, ABC are absolute and end event of an experiment,
3AP इक्वल टू 2B इक्वल टू VC देन व्हाट इज द PA कितना? अच्छा देखो ऑप्शन में कितना खतरनाक है, 1/11, 2/11, 5/11 एंड 6/11। अच्छा सुनो एक बात मैं आपको बताऊँ इसका मीनिंग क्या है। हाँ कितना है आंसर? मीनिंग देखते हैं। अच्छा देखो सिक्के को उछालने की कितनी घंटाएँ हो सकती है, या तो हेड आए या टेल आए। तो हेड आने की प्रॉबिलिटी और टेल आने की प्रॉबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है हमेशा। इनकी प्रॉबिलिटी क्या होती है? 1। अब वैसे सिक्के के जगह अगर कुछ मैं और बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ कि मैं एक दिन जयपुर गया, मैं एक दिन जयपुर गया तो बताओ उस दिन के सोमवार होने की कितनी प्रॉबिलिटी है? 1/7। उस दिन के मंगलवार होने की? 1/7। तो सोमवार से लेकर रविवार तक होने की सबकी प्रॉबिलिटी 1/7 है, तो सारे 1/7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1। वैसे ही इस घटना को 3 घटनाओं से मिलकर पूरी घटना बनती है। जैसे मान लो कि एक सिक्का है जिसमें 3 चीज़ें हैं, हेड टेल और एक और है, मान लो उछालोगे तीनों में से एक तो आएगा। तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि इन तीनों से ये पूरी घटना बनी, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू 1 होगा। कोई टेंशन नहीं है, तीनों का 1 होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, आपको पी ए पूछा है बच्चा, यहाँ पे ना अनुपात पता होता है। देखो अनुपात, ये 3 से गुणा हो रहा है, ये 2 से गुणा हो रहा है, ये 1 से गुणा हो रहा है। तो आपको अगर मैं पूछूं कि इनका रेशो क्या है, रेशो मतलब इनमें क्या क्या आएगा, तो अगर आप 3, 2, 1 लिख दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 3, 2, 1 नहीं लिख सकते, ये तो गुणा हो रहा है इसका 3 गुना। तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं, या तो इन सबको बराबर कुछ के कर लिया, जैसे ऐसे ही है ना, ये तीनों आपस में बराबर है कुछ के कर दिया। मैं ऐसे बता रहा हूँ मैथ्स में, अभी तो आपको आ जाएगा। पी ए बराबर कितना आ गया? के बटे 3। पी बी बराबर कितना हो गया? के बटे 2। और पी सी बराबर कितना हो गया? के। आपको पता है किसी संख्या का अनुपात निकालने के लिए तीनों को ऐसे लिखा जाता है, के बटा 3, के बटा 2 और के, ऐसे लिखते हैं और सब में के कट जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि के पे तो डिपेंड ही नहीं करता अनुपात, समझे? मैं आपको टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं एग्जाम में अगर होगा तो मैं पता क्या करूँगा, 2PB 2PC बराबर, मैं 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6, तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा। तो PA बराबर 2, ये बराबर 3 और 1 बराबर 6, ये आ गया तीनों का अनुपात। तीनों के अनुपातों का योग बताओ कितना आ रहा है? 11 हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। 11 किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। तो 1 किसके बराबर होना चाहिए? 1/11। पूछा क्या है? 2/11। बहुत ही सुंदर। हाँ क्वेश्चन, ABC आर 3 एब्सोल्यूट एंड एंड इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ABC आर 3 एब्सोल्यूट एंड एंड इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एब्सोल्यूट मतलब आपस में एक दूसरे का रिलेशन नहीं है, एंड इवेंट मतलब इससे पूरी घटनाएं बनती है। देन अच्छा इवेंट सच दैट, इसके बाद लिखो 3PA बराबर 2PB बराबर PC, देन PA इक्वल टू, लिखा सबने इंग्लिश में भी, देन PA इक्वल टू, ठीक है? ज़्यादा टेंशन नहीं करना, कितना सिंपल, वापस बता दूँ, ये आ गया, आ गया, ठीक है, नोट कर लो आप। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, हरियाणा ग्रुप डी का 17 नवंबर 2018 का, ठीक है? ये मिटा दो बच्चों, बस अनुपात निकालने की बात है और अनुपात निकालते हैं। अच्छा ये केवे नहीं करना है, इतना टाइम थोड़ी होता है, आपने केवे करते रहेंगे। के को कुछ ऐसा नंबर मान लो जिसे फटाफट लिखने में आ जाए, है ना? के की बजाय 6 मान लिया, तो 3 × 2 = 6, ये 2 आ गया, 2 × 3 = 6, ये 2 है ना, 3 आ गया और 6/1 तो 6 आ गया, और तीनों अनुपात को जोड़ने पर 11 आ रहा है, जबकि 11 1 आना चाहिए इनका। अनुपात कभी भी वास्तविक चीज़ को नहीं बताता, ये तो होता है कंपैरिजन, तुलना, ठीक है? चलो देखिए एक और देखते हैं, चलो कितना सुंदर सा देखो क्वेश्चन आया आपके, एक हरियाणा ग्रुप डी का पेपर देख रहे थे। देखो क्वेश्चन क्या था कि पी, देखो ऐसे दे रखा है, यदि इफ़ PA इक्वल टू 0.73
देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ई, तो ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता बताओ, तो ऑप्शन में है 0.3, 0.27, 0.25 और 0.37, तो कुछ नहीं करना, एक में से घटा दो। हिंदी में बोलता हूँ, यदि पी ई बराबर 0.73 है तो ई ना होने की प्रायिकता सीधा 1 - 0.73, बस कितना आ गया 0.27, बी आंसर बताओ। ठीक है क्या बच्चों, चलो एक और लिखो, हरियाणा ग्रुप डी का एक क्वेश्चन और है, वो भी देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन है, दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, टू कॉइंस टॉस्ड टुगेदर, दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, केवल शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली कमिंग हेड। ऑप्शन है 1, 0, 1/2 and 1/4, जल्दी से बताओ, सिर्फ हेड आने की प्रायिकता, केवल सिर्फ आने की प्रायिकता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड। अब देखो यार, दो सिक्के को टॉस किया तो पता ही है कितने इवेंट्स हो सकते हैं, चार है ना, चार इवेंट्स हो सकते हैं, और हेड हेड आ जाए तो वन हो गया, और क्या, दोनों में हेड हेड, ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं कर रखा, हेड बोला है मतलब दोनों में हेड हेड, तो 1/4 हो गया है ना, एक ही ऐसा इवेंट होता है जिसमें दोनों में हेड आता है। अच्छा, हरियाणा ग्रुप डी के दूसरा पेपर में भी यही क्वेश्चन है, सेम चेंज नहीं किया इन्होंने। एक और है पेपर, उसमें भी यही क्वेश्चन है, उसमें टेल पूछ लिया, दोनों में टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो भी 1/4। तो बस इतना सही आपके प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन आए, बस बाकियों में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बताओ मुझे जल्दी से, कल लोगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो चलो देखते हैं इसका 7th पार्ट क्या था, है ना, 7th टॉपिक हम देखते हैं, है भैया बोल वाला है, अच्छा अच्छा आया तो नहीं है कहीं, मैं तो बता ही दूंगा, है इनमें नहीं है कहीं, इसमें बताओ कहाँ है, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, पूछो, एक सिक्के को दो कम से कम एक बार पश्च भाग पकड़ने की टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, पश्च भाग मतलब टेल, हाँ। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं प्रोबेबिलिटी का, दूसरा देखो ध्यान से सुने, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डायमंड और बोथ आर किंग, 52 पत्तों के पैक से दो पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों के डायमंड या दोनों के किंग आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अच्छा बच्चा, वैसे देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक और चैप्टर से जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन या फिर हिंदी में बोलते हैं उसको संचय। कॉम्बिनेशन अगर आपको आता है तो प्रोबेबिलिटी के बड़े क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। तो अभी मैंने कॉम्बिनेशन आपको नहीं पढ़ाया, पर कुछ बच्चे जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद तुरंत इसको देखने के बाद आप मेरे YouTube पे यहीं पर एक कॉम्बिनेशन वाला पेपर पढ़ लेना पूरा, उसमें मैंने क्या पढ़ाया है ना। फिलहाल मैं आपको जो भी है मैं बता देता हूँ, ये वाले क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं। अब होता है 52 पत्ते हैं कार्ड्स, अब आपको पता होना चाहिए कि कार्ड्स में चार तरह के पत्ते होते हैं, है ना, और देखो 52 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डायमंड एंड बोथ आर किंग्स, आपको पता है कौन कौन से होते हैं, पता है क्या किसी को, एक तो होता है डायमंड, ऐसा होता है क्या डायमंड, इसको बोलते हैं ईंट, एक होता है हार्ट, ऐसा होता है क्या, तो लाल पान, लाल पान, एक होता है एनीबडी, चिड़ी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं चिड़ी को, हाँ वेरी गुड, क्लब बोलते हैं, वेरी गुड, और एक होता है स्पेड, क्या काला पान, हुकम। अच्छा इन सब में कितने कितने पत्ते होते हैं, 13-13, ऐसा करो 13-13 पत्ते होते हैं। अच्छा आप 13-13 पत्ते में
एक होते हैं आपके नंबर्स कार्ड, है ना अच्छा, और एक होते हैं आपके क्या बोलते हैं उसको, फेस कार्ड है ना। फेस कार्ड में तीन कार्ड आएंगे, बादशाह, बैंगम और गुलाम। जोकर नहीं, गुलाम, जोकर तो अलग रख देते हैं, वो छोटे बच्चों को देते हैं तुम खेलो, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आइडिया होगी, हल्के से ज़्यादा नहीं। अब देखो क्या कहता है ना, इन ए ग्रुप ऑफ टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 में से दो पत्ते निकाले। अब आपको थोड़ा सा बस एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे कोई भी एन में से आर चुनने के तरीके, एन वस्तु में से आर चुनने के तरीके को बोलते हैं NCR, ठीक है। NCR का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला पांच बच्चों में से मुझे दो बच्चों की टीम चुनना है, तो उसके तरीके देखो कैसे लिखते हैं, ठीक है। और बाकी बहुत डिटेल में जाना है तो आप मेरे YouTube वाला चैनल देखेंगे। पांच में से दो बच्चों को चुनने के तरीके, तो देखो ध्यान से सुनो, अभी अपन इतना डिटेल में मैथ्स नहीं लिख रहे, पांच को दो बार लिखना है घटते क्रम में, 5×4, और फिर दो को घटते क्रम में लिखना है एक तक, ऐसे। जब भी कोई बोले कि पांच व्यक्ति में से दो व्यक्ति चुनने के तरीके, तो उसको बोलते हैं 5C2। अगर कोई मुझसे बोले कि नौ वस्तु में से चार वस्तु चुनने के तरीके, तो मैं नौ को घटते क्रम में चार बार लिखूंगा और चार का फैक्टोरियल लिखूंगा, 4×3×2×1। अभी इससे इतना ही जाने, इसको फिर काट के लिख लूंगा मैं, सॉल्व कर लूंगा, है ना। नौ, अच्छा आठ ही खा गया, नौ आठ सात छः, ऐसे करना है। अच्छा एक और नई चीज़ होती है कि जैसे मैं सात में से पांच को चुनने के तरीके ढूंढूं, या सात में से दो को चुनने के तरीके, दोनों सेम होते हैं। आप बताइए क्या मजा, कैसे सात में से पांच को चुनने के तरीके और सात में से दो को चुनने के तरीके सेम कैसे हो सकते हैं। मैथ्स में सेम होते हैं और आप करके भी देखो तो सेम आएंगे। 7-5, एक सिंपल सी बात होती है कि NCR उतना ही होता है जितना NCN-R होता है। बस मैं दो चीज़ आपको बता रहा हूँ, बाकी और चीज़ मुझे नहीं चाहिए। पहली बात, NCR को लिखने का तरीका ये आ गया, दूसरी चीज़, NCR निकालो या NCN-R, एक ही बात है। जैसे मैं बोलूँ 15 में से 10 चीज़ को चुनने के तरीके, या 15-10 कितना होता है, 5, तो 15×5 दोनों एक ही होगा। करके देख लो आप, 15 को 10 बार लिखोगे घटते क्रम में और 10 को लिखोगे घटते क्रम में, कट जाएगा और यही आएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभार क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम N-R कर देते हैं। अब करें क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बस एक ही फंडा, प्रोबेबिलिटी पूछा है तो नीचे तो टोटल इवेंट लिखना है और ऊपर वो स्पेशल इवेंट लिखना है, ठीक है। चलो कर देते हैं, ठीक है, आगे देखें बेटा ये वाला। हाँ बिल्कुल, 10C2, 10 व्यक्ति, अच्छा 10 व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं तो दो दो व्यक्ति हाथ मिलाएंगे। अच्छा मैंने रमन से हाथ मिलाया और रमन ने मुझसे मिलाया, बात तो एक ही है, तो ये कहलाता है कॉम्बिनेशन, संचय, जिसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता। हाँ अगर कोई लेटर बनाना है तो परम्यूटेशन होता है, क्रमचय, है ना। तो 10C2 इसका आंसर है, 10 लोगों ने हाथ मिलाया तो कितने हाथ मिलेंगे, 10×9/2×1, तो टोटल 45 हाथ मिलेंगे, ठीक है। 10 लोगों ने आपस में हाथ मिलाया तो 45 हाथ मिल जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, 10 बिंदु से ट्रायंगल बनाना है तो 10C3, हाँ 10 से ट्रायंगल बनेंगे 10C3, पर 10 पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, एक लाइन में नहीं होना चाहिए। अब उसमें से 4 पॉइंट एक लाइन में है तो 4C3 को माइनस करना पड़ेगा, वो देगा ना क्वेश्चन में कि 10 आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, हाउ मेनी ट्राइंगल्स यू कैन फॉर्म। तो आ जाएगा इसका आंसर 10×9=8, 3×2=1, ये आ जाएगा। उसने बोला नहीं, 10 बिंदु में से ट्राइंगल बनाने हैं पर 4 एक ही लाइन में, तो एक लाइन वाले से थोड़ी बनेगा, तो 4C3, 4 बिंदु से जितने ट्राइंगल बन सकते उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको सब मिल जाएगा, मैंने बहुत डिटेल में यूट्यूब पे डाला हुआ है, बहुत डिटेल में डाला हुआ है, पूरा NCERT के क्वेश्चंस डाले हुए, आप उसको देखना। चलो अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ द 52। अच्छा 52 में से दो कार्ड निकाले, तो टोटल कार्ड निकालने के तरीके कितने होते हैं, 52C2, ये कुल तरीके, ठीक है। चलो इसको करके देखते हैं,
52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 2 दूनी 4 ना, बस इसको ऐसे रहने दो, अभी अभी मत सॉल्व करो, गुणा नहीं करना है अभी, है ना, आगे क्योंकि आंसर चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे ऑप्शन भी देख देता हूँ इसका, 12 बाई और बहुत खतरनाक है 63, 42 बाई 663, 42 बाई 661 और नन ऑफ दिस, चलो ठीक है। आप सुनना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डायमंड और बोथ आर किंग, दोनों के डायमंड या किंग होने की प्रायिकता, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है डायमंड, डायमंड मतलब ये वाला है ना, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर द डायमंड, या तो डायमंड और है ये देखो, और बोथ आर किंग, तो देखो कोई भी चीज़ें और आ जाता है ना वर्ड, तो उसका मतलब होता है या तो ये हो जाए या ये हो जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप ध्यान रखो कि जब भी किसी क्वेश्चन में आ जाए कि ऐसा करो या ऐसा करो, तो बीच में प्लस आता है ना। मुझे टीम बनानी है कुछ लोगों की, या तो मैं 5 में से 3 लड़के ले लूँ या 3 में से 2 लड़कियाँ, या तो बीच में प्लस आ जाएगा, तो जहाँ पर भी और या वर्ड आता है उसमें हमेशा प्लस आता है, और जहाँ पर भी एंड या और वर्ड आता है उसमें क्रॉस आता है, ठीक है। मुझे कोई काम करना है, मुझे 5 में से 2 लड़के चुनना है और 3 में से 1 लड़की, और उससे टीम बनाना है, 5 में से 2 लड़के चुनना है और 3 में से 1 लड़की उसकी टीम बनाना है, तो एक क्रॉस आएगा, क्योंकि दोनों इवेंट होगा तभी जाकर टीम बनेगी, तो एंड में क्या आता है क्रॉस। और मैंने बोला कि या तो 2 लड़के ले लो या 2 लड़कियां ले लो, या तो 2 लड़के ले लो या 2 लड़कियां ले लो, तो ये ऐसे आएगा, या तो 2 लड़कों की टीम बनाओ और 2 लड़कियों की टीम बनाओ, तो इसमें बीच में प्लस आएगा, तो और आने पे प्लस आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मज़ेदार तो चीज़ें हैं, तो चलो अब मैं इसको लिख लेता हूँ, अब लिख के देखें, देखो कितना खतरनाक। डायमंड आना चाहिए, डायमंड मतलब होता क्या है ईंट, तो 13 में से वो 2 पत्ते आ जाए बस, ईंट मतलब 13 में से 2 पत्ते चुन लो, या है तो प्लस, या क्या आना चाहिए बच्चा, किंग आना चाहिए, किंग कितने होते हैं 4 ही होते हैं, तो 4 में से दोनों आ जाना चाहिए, ये आपके इवेंट्स हो गए, और बटे 52 C2, तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है बट डंडा नहीं है, सबके नीचे 2-2 आ रहा है तो उड़ा भी दो चलेगा, 13 को 2 बार घटते हुए क्रम में लिखना है 13 × 12, और 4 को 2 बार घटते हुए क्रम में लिखना है 4 × 3, और नीचे तो अभी आपने सॉल्व किया था 26 × 51 आया था, ठीक है। आ रहा है क्या सर में, तो हाँ बच्चा मैं तो पता क्या करता हूँ, 3 को काट देता हूँ, है ना, 3 × 12, 3 × 3 और 3 × 21 का बच्चा कहाँ पे, इसको काट दिया था ना हमने, अच्छा अच्छा नहीं गलत हो गया ना, हाँ हाँ ये गलत हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 52 × 51, है ना, वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ तो 2 भी लिख दिया था ना हमने, 2 को काट दिया था, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 3 से काट देते हैं, 3 × 3, 3 × 12 और 3 से शायद ये कट जाएगा 17 × 51, ठीक है। अच्छा और भी कटना चाहिए, 4 कटता होगा, है ना, देखो 4 कटता, 4 × 1 और 13 × 52, अब आपको थोड़ा थोड़ा दिख गया होगा कि नीचे क्या आ रहा है, 17 × 51 1 5 नहीं आ रहा क्या, ये तो कुछ आ रहा है, बताओ कितना हो गया, 3 × 1 4 44 जोड़ना है क्या, अरे ये तो बना गया था यार सॉरी, तो 13 + 1 कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाय 14/221, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सुधार के आपको बताता हूँ, अगर इसमें इसमें से कोई आंसर आ रहा है तो इसमें इन्होंने लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ठीक है, ये जो या वर्ड है ना इन्होंने गलत कर दिया, है ना, ये बोलना चाह रहे थे है बच्चा, नहीं नहीं नन ऑफ दीज आंसर है, ऐसा कुछ है थोड़ी इसमें है क्या, 3 × 3 = 6 × 3 = 9 नहीं यार है ना, ये रहा 3 से गुणा करो इसको 42, 3 से गुणा करो ये, लिखने वाले मैंने थोड़ी कम कर दी ऑप्शन में, काट कर लिख देता तो अच्छा लगता है ना, ये आंसर है, मतलब ठीक है ना, ठीक है ना,
अब आपको दिख नहीं रहा तो देखना पड़ेगा ना कि हो सकता है 663 देखो 3 से गुणा करने पे आ रहा है, 3 से गुणा आपने 42 और 3 से गुणा करने पे आया, तो ये आंसर है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है क्या बताओ जल्दी से, है क्या दिखाओ। चलिए एक और देखते हैं अपन। अरे वाह, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का 23 दिसंबर 2018 का पेपर है और उसके दो बड़े मज़ेदार क्वेश्चन हैं, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, एक तास वाला है तो तास बने हुए हैं तो तास का क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। अच्छा, ये क्वेश्चन जो तास वाला आया है ये कॉम्बिनेशन का है, प्रोबेबिलिटी का नहीं है। ठीक है, तो इसको मिटा दूं मैं थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन सुने आप, पहले हिंदी में सुनाते हैं। 52 तास के पत्तों के एक पैक में से 4 कार्ड इस प्रकार चुनने हैं कि तरीकों की संख्या में वो देखता हूँ कि क्या पता इन्होंने हिंदी में गलत कर दिया हो, उन्होंने वो कलर गलत लिख दिया हो इंग्लिश का जब उन्होंने कन्वर्ट किया होगा, क्योंकि ये बुक तो हिंदी में है ना, वो कलर नहीं वो टाइप बोल रहे हो। हर एक पत्ता अपने अपने टाइप का आना चाहिए, हो सकता है ये बोल रहे हो, मतलब चारों पत्ते या तो ईंट के आ जाए, ये लालपन के आ जाए, या चीड़ी के आ जाए, या हुक्म के आ जाए, है ना। तो वो इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया होगा, इसको वैसे क्या बोलते हैं इस चीज़ को, नहीं नहीं फिर हम बोलेंगे 13 में से 4 चुन लो प्लस, 13 में से 4 चुन लो प्लस, 13 में से 4 चुन लो प्लस, 13 में से 4 चुन लो। ठीक है, तो ये 4 बार है तो 1 कर देते हैं इसमें, 13 × 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2 × 1 4 4। और ऐसा नहीं, मैथ्स में तो बहुत सारे एग्जाम में लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 26, 26 को 11 से गुणा करने पे आता है 6, और 6 होते 8, और होता है 2, और ये 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सही कर लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा था कि चारों पत्ते एक ही, अच्छा इसको क्या बोलेंगे अपन इंग्लिश में, एक ही इसको बोलते हैं हम, एक ही टाइप के हों, या तो ऐसा बोल दो, है ना, 4 कार्ड्स शुड बी सेम टाइप, है ना, कि चारों पत्ते एक ही कलर नहीं बोलना है। कलर में तो क्या, ये रेड कलर और ये भी होता है। हाँ ठीक है, तो सेलेक्ट द 4 कार्ड्स फ्रॉम द 52 कार्ड्स सच दैट ऑल कार्ड शुड बी सेम टाइप, है ना। 52 पत्तों में, ताश के पत्ते में से 4 कार्ड इस प्रकार चुनना है कि चारों पत्ते एक ही प्रकार के हों, प्रकार से ज़्यादा सही है, रंग बोलते गड़बड़ हो जाएगा, रंग का तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा मैंने करेक्ट कर दिया, वैसे वही मुझे लग रहा था कि इतना हार्ड आपके नहीं पूछेंगे। तो ये कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कांस्टेबल में आया था। ठीक है, अब देखो कुछ नया क्वेश्चन आ गया आपके हरियाणा कांस्टेबल का, एक क्वेश्चन है, मिटा दूं क्या बच्चों इन वाले को। क्वेश्चन ये है कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, 2 डाइस टॉस्ड टुगेदर, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, 2 डाइस टॉस्ड टुगेदर, समुच्च ए पहले पासे पर 6 प्राप्त करने की घटना है, ए इज द फंक्शन ऑफ गेटिंग 6 इन द फर्स्ट डाइस, और समुच्च बी दूसरे वाले पर 2 प्राप्त करने की घटना है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी नहीं है, घटना है, इवेंट, एंड फंक्शन बी इज द इवेंट टू अकरिंग 2 इन द सेकेंड डाइस, फाइंड द पी ए इंटरसेप्शन बी। तो ए और बी का उभयनिष्ठ प्रायिकता निकालना है। ठीक है, चलो देख, तो बच्चा इसमें क्या पूछा गया है कि आप देखो इसको उछालेंगे तो इससे भी एक ही ऐसा इवेंट है जब पहले में 6 आ जाए और दूसरे में 2 आ जाए। तो आप वैसे भी पता है आपको, दो पासे को जब उछाला जाता है तो टोटल 36 केसेस बन सकते हैं, 36, अभी बताया था 6 × 6, उसमें 6 2 आने वाला एक इवेंट होगा, तो 1/36 इधर से। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, सो लिखते हैं इसका अगला। हरियाणा कांस्टेबल का
A bag contains 5 red and 3 blue balls. If 3 balls are drawn at random without replacement, the probability of getting exactly 1 red ball is. हिंदी में एक बैग में 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं, ठीक है? एक बैग में 5 रेड और 3 नीली गेंदें हैं. यदि बिना बदले यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती है तो एक लाल गेंद आने की प्रायिकता. देखो बहुत कोई खास नहीं है. सबसे पहले इसमें आपको कितनी बॉल निकालनी है, 3. तो टोटल इवेंट देखते हैं, है ना. टोटल इवेंट होंगे 8 में से 3 बॉल चुनना. उसको अगर मैं लिखूंगा तो आएगा 876 डिवाइडेड बाय 321. सबको ये पता है, ये आ जाएगा 56. अच्छा, आप चाहते हो कि बॉल एग्जैक्टली एक बॉल रेड आए, तो देखो उसको कैसे करते हैं. 5 में से एक बॉल मैं चाहता हूँ रेड आए. एंड के साथ हमेशा क्रॉस आता है और के साथ प्लस होता है. बाकी जो बची हुई 2 बॉल है वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, ठीक है. अच्छा, आपको पता है 3C2 लिखो या 3C1 लिखो, एक ही बात होती है मैथ्स में. तो 5C1 का 5 हो गया और 3C2 का 3 हो गया, तो टोटल 15 तरीके से आ सकती है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 15/56, इट इज़ अ प्रॉबिलिटी, ठीक है. चलिए, इसमें कुछ ऐसा कोई खास नहीं है. वो विदाउट रिप्लेसमेंट का कहने का मतलब ये था कि उसमें बॉल निकाल कर एक बॉल निकाल ली फिर दूसरी बॉल निकाल ली. ऐसा नहीं कि बॉल निकाल के वापस को डाल दी, उन्हें बराबर नहीं कर दी, तभी इसमें 5C1 आया या 3C2 आया, ठीक है. ऐसा लिखा हुआ होता है इसमें, ठीक है. एंड दिस ऑल अबाउट द प्रॉबिलिटी. प्रॉबिलिटी में मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, फिर भी आएंगे तो आप देख लेंगे, क्योंकि लगभग मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है. तो एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं आज का, है ना, और उसके बाद फिर अपन बाकी कल देखेंगे. तो एक लास्ट टॉपिक और लिखते हैं, उसका नाम है, कौन सा टॉपिक नंबर कौन सा हो जाएगा, 8 टॉपिक, और ये है डिस्टेंस फॉर्मूला. है 7 टॉपिक है क्या, 7 टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र. अब ये भी एक एडवांस मैथ्स का टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. तो ये इसके भी बड़े आसान से क्वेश्चन आपके आए, ठीक है. बट अपना टारगेट है कि उसको फास्ट कैसे करें, है ना, देखते हैं. तो हरियाणा कांस्टेबल पुलिस और उसमें जो जो क्वेश्चन आया उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ. उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं. अब देखो यार बच्चों, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम. आपने ग्राफ बनाए होंगे बचपन में, ये होता है 0,0, ठीक है. इसको बच्चे को, इसमें इस वाले को कहते हैं प्लस एक्स दिशा, इसको कहते हैं माइनस एक्स दिशा, इसको कहते हैं प्लस वाई दिशा और इसको बोलते हैं माइनस वाई दिशा. कोई भी पॉइंट आपको बताना है तो उसके लिए पहले एक्स को रीड करते हैं और फिर वाई को रीड करते हैं, है ना. तो एक बात बहुत सिंपल सी है, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, मैंने बोला कि पॉइंट है 5,7, तो इधर पहले 5 पढ़ना है और फिर 7 पढ़ना है, ठीक है. एक पॉइंट है यहाँ पर 8,2, ठीक है. तो अब आपको क्या देखना है कि कोई भी दो पॉइंट हो उसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, ऐसे. इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकालने के लिए बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है. अब मैं इतना आपको बहुत ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ पे बोलूँ, ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलता हूँ x1,y1, और एक पॉइंट यहाँ है इसको मैं बोल देता हूँ x2,y2. आपसे पूछे कि इसके बीच की डिस्टेंस बताए, आप थोड़ा सा पता होगा आपको कि इस पॉइंट की यहाँ से जो दूरी होती है, इस हॉरिजेंटल एक्सेस से जो दूरी होती है उसको बोलते हैं y2, सही है, याद है क्या, इसको क्या बोलते हैं y2. इस पॉइंट इससे कितना वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, उसको क्या बोलते हैं y1, ठीक है. ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर है उसको क्या बोलते हैं x1. ये पॉइंट इस y एक्सिस से कितना दूर है उसको क्या बोलते हैं x2. और अगर आपको ये दूरी बताना है तो आपको ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता है, समकोण त्रिभुज. और आप चाहते हो कि समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस या कर्ण निकालना है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, y2 में से इसका y1 घटा दो. देखो ध्यान से, y2 में से y1 घटा दूंगा तो ये दूरी आ जाएगी, क्या हो जाएगा बच्चा, y2 - y1. और x2 में से x1 घटा दूंगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, x2 - x1. तो वैसे तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है. जब भी कोई पूछे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, आपको क्या करना है, रूट
कर्ण क्या निकाला जाता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो किसी को पहले लिख दो, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ऑल स्क्वायर, ये दूरी होती है। अब आपने देखा स्क्वायर कर रहे हैं किसी चीज़ का, चाहे आप यहाँ पे गलती से x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 कर दो, तब भी वही आंसर आएगा। तो आपको क्या सोचना है, क्योंकि एग्जाम में हमें फास्ट करना है, कोई भी दो बिंदु के बीच की डिस्टेंस भूले तो उनका x को x का अंतर निकाल लो और उसका स्क्वायर कर दो, उनके y का अंतर निकाल लो और स्क्वायर कर दो, फिर रूट लगा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है, इसको कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, जबकि उसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, चलो सीधे देखते हैं क्वेश्चन इसके कैसे आए, यहाँ तक ठीक है, चलो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन देखते हैं कितने सिंपल सिंपल से आए, देखते हैं। मैं एक्चुअली ना बैक साइड से चेक कर रहा था कौन कौन से क्वेश्चन आए, आते आते शायद रात हो गई थी ज़्यादा, आगे वाले आप या तो आज आप ले जाना है इसको। हरियाणा ग्रुप डी का पेपर देखते हैं 18 नवंबर 2018, इसमें क्वेश्चन नंबर 60 ये कहता है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन माइनस ए कोमा माइनस ए एंड बी कोमा बी, हिंदी में बिंदु माइनस ए कोमा माइनस ए और बी कोमा बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। इसका पहला ऑप्शन है ए प्लस बी, दूसरा ऑप्शन है रूट टू ए प्लस बी, तीसरा ऑप्शन है टू ए प्लस बी और चौथा ऑप्शन है बच्चा जीरो। अभी तो पता है कितना सिंपल होता है, आप इनका एक्स को माइनस कर दो। अब मैंने बताया इसको इसमें से माइनस करो या इसको इसमें से माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसमें से माइनस किया तो क्या आया, जैसे इसको बी में से इसको माइनस करो तो बी माइनस तो प्लस से आ जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस, इसमें से इसको माइनस करो तो वो भी बी प्लस ए इसका स्क्वायर और उस पर क्या लगा दो रूट। अब थोड़ी बहुत मैथ्स आपको पता होनी चाहिए कि दो संख्याएं आपस में प्लस हो रही है तो इसको मैं दो गुणा बी प्लस ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, और स्क्वायर का रूट रख करते हैं तो ये हट जाता है, तो आप बोलोगे रूट टू बी प्लस ए। ठीक है, बताओ बताओ जल्दी से बता दो पहले। ठीक है, हाँ बच्चा ये आया, ये दोनों कैसे लिखा, देखो तो ये संख्या जैसे मैं बोलूँ ना यहाँ पे कि यहाँ पर एक x है और यहाँ पर भी एक x है तो x x मिल के क्या आ गया 2x, तो वैसे ही ये एक संख्या है वैसी की वैसी ये आ गई तो कितने आ गई 2, और इसका स्क्वायर है उसका रूट लगाया हुआ है तो रूट मतलब होता है 1/2 और ये होता है स्क्वायर, तो दोनों कट जाते हैं तो ये बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट 2 पे लगा रहेगा, है ना। जैसे अगर मैं रूट में यहाँ पे बोलता कि 4 × 5 तो 4 का तो पता ही है 2 आ जाएगा और 5 का नहीं होता तो ऐसे आ जाएगा, तो ये एक ऐसी संख्या है जो खुद स्क्वायर है तो इसका रूट तो स्क्वायर हट जाएगा और इसका रूट रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चों को ना बहुत डर लगता है ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हो सर ये, है ना, ये ऐसे ए बी हमें समझ में नहीं आता रूट रूट, तो इसका भी जुगाड़ है, है ना, इसको और भी फास्ट करने का भी जुगाड़ है। ये मैं बता दूँ ये वाला, हाँ इसका जुगाड़ क्या है कि जब भी किसी क्वेश्चन में ये ए बी आ रहा है कुछ तो आपके जो पसंद हो वो उसको लिख दो, ए बी को जो पसंद हो लिख दो, है ना, मुझे जीरो बहुत पसंद है, आपको भी होगा जीरो, है ना, जीरो रख दो, एक नंबर को जीरो रख दो, तो मैंने लिख दिया ए को जीरो, है ना, तो जीरो करते ही ये तो हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, अब बी को भी कुछ रख दो, अब बी को जीरो रखते गड़बड़, ऑप्शन सब अलग अलग आने चाहिए, ऐसे बता रहा हूँ कभी कभी फंस जाओ तो। बी को अगर वन रखा तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा वन, दूसरे का आंसर रूट टू और तीसरे का आंसर टू चलेगा, बी को मैंने वन रख दिया तो पहला आंसर आ गया वन, दूसरा ऑप्शन आ गया रूट टू, तीसरा ऑप्शन आ गया टू और चौथा चार, तो ये जो वैल्यू रखी है ये बिल्कुल सही है, इस वैल्यू को रखने पर चारों उत्तर अलग आ गए, आप अपना प्रश्न ही बदल डालो। चलो अब इसको यहाँ रख देते हैं, तो पहला पॉइंट क्या हो गया 0,0 और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 1,1, बस इनके मध्य दूरी बताओ रूट, 1 − 0 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 − 0 1 कितना आ गया रूट टू, अरे वाह। कभी किसी क्वेश्चन में ए बी आकर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि और पता नहीं क्या क्या लिखा है सर उल्टा उल्टा, तो ए बी को कुछ भी रख दो जिससे चारों ऑप्शन अलग अलग आए, ये बात ध्यान रखना है। अब आपने बोला सर ए बराबर 0 और बी बराबर 1 रखने पे दो ऑप्शन सेम आ गए, तो बी बराबर 2 रख दो, ए बराबर 1 रख दो,
तो वो तो ऐसे क्वेश्चन जिस बहुत ज़्यादा फंस जाए और डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन हो तब करना है, ठीक है। यहाँ तो जरूरत ही नहीं थी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो। बताओ पहले आ जाएगा बच्चा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। देखो ये कितना सुंदर है, एक ग्रुप डी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए 1.1 और बिंदु बी x.1 के बीच की दूरी 5 इकाई है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए 1.1 एंड बी x.1 इज 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अच्छा दो तो ऑप्शन है, तो x का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो करके देखते हैं। अच्छा एक चीज़ आपको पता है कि इनके बीच में डिस्टेंस 5 है, तो देखो इसको इसके दूरी फार्मूला लिखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर है ना प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, अरे यार ये तो जीरो ही हो गया, बराबर 5 आना चाहिए, तो ये तो जीरो ही हो गया। तो आप बोलोगे x माइनस 1 का स्क्वायर के बाहर ये रूट लग रहा है, तो x माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 5। अच्छा बच्चा एक बात ध्यान रखो, जब भी किसी क्वेश्चन का रूट हटता है तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आती है, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ x माइनस 1 लिखो या 1 माइनस x लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताया था, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो इस रूट हटते ही प्लस माइनस, क्योंकि आप बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4, तो कोई रूट 4 पूछे तो मुझे क्या पता रूट 4 यहाँ वाला है या यहाँ वाला है, तो इसके आंसर दोनों होते हैं प्लस माइनस 2। किसी भी संख्या का रूट लगते हैं उसके आंसर दोनों आते हैं प्लस और माइनस। तो यहाँ पे एक बार प्लस लिख के देख लो, x माइनस 1 बराबर 5, तो x बराबर क्या आ गया 6। एक बार माइनस करके देख लो, माइनस x प्लस 1 बराबर 5, ये उधर जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5 कितना हो गया माइनस 4, तो माइनस 4 और 6 ये इसका आंसर है ना। आप देख लो करके भी देख लो, यहाँ पर अगर मैंने माइनस 4 रखा, अगर आपको नहीं करना है इतना पूरा तो छोड़ो, आप तो यहीं से कर लो क्वेश्चन को, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया x माइनस 1 का स्क्वायर, और इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आया 0 का रूट करने पे क्या आना चाहिए 5। पहला ऑप्शन देख लो, 4 रख के देख लो, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये तो नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन में माइनस 4 रखो, माइनस 4 माइनस 1 क्या होता है 5, 5 का स्क्वायर का रूट 5 ये आ रहा है। 6 रख के देख लो, 6 माइनस 1 5, ये भी 5 है, तो वैल्यू से भी आ जाएगा सीधा, ठीक है। बताओ बताओ जल्दी से, तो देखो कितने सिंपल सिंपल से आपके डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देख लिया अगला, बस बस दो तीन क्वेश्चन है फिर खत्म करते हैं अपना। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपके पूछा गया था एक ग्रुप डी वाला क्वेश्चन है, देखो मिस प्रिंट है इसमें, क्वेश्चन ही मिसिंग है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है पर उसमें सिर्फ x लिखा है, y लिखना भूल गए। चलो कोई बात नहीं, दूसरा कर लेते हैं इसके बदले। ठीक है चलो एक क्वेश्चन देखते हैं अपना ग्रुप डी वाला, यदि बिंदु 2.y, अब आप करके बताना फास्ट, अभी किया था वैसे वाला क्वेश्चन है, और -4.3 के बीच की दूरी 10 है, तो y का मान क्या होगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2y एंड -4 इज द 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? पहला ऑप्शन है 11 और -5। चलो अब बताओ कौन बताएगा आंसर बताओ। अभी देखो ना यार, इसमें से इसको माइनस करने पर है ना रूट, इसका इसमें से माइनस करो तो 2 - 4 प्लस 4, 6 का स्क्वायर है ना प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, और ये कितना आना चाहिए 10, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे अगर मैंने 11 रखा तो 11 - 3 कितना होता है 8। आपको पता है 6 8 से 10 बनता है, ट्रिपलेट सुना है,
छः का स्क्वायर प्लस आठ का स्क्वायर बराबर क्या होता है 10 का स्क्वायर। अच्छा देखो माइनस पाँच रख के देखते हैं, माइनस पाँच करके क्या हो गया 8। वैसे मैं एक बार बताऊँ राज की बात, मुझे वैसे भी पता है कि ये जो क्वेश्चन होता है ना कि दोनों बिंदुओं के बीच में ये वाई कितना होगा जब दूरी 10 है, तो इसका आंसर में प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, तो जिस ऑप्शन में प्लस माइनस होगा वही आंसर होगा। यहाँ पे दोनों में प्लस प्लस है तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्लस माइनस आंसर वाला होगा। तो वैसे मुझे पता है, इसी को चेक करना है मुझे तो, क्योंकि प्लस और माइनस वाला ही आंसर होगा, दोनों प्लस वाला आंसर कभी हो ही है। अच्छा एक ही देते हैं और यही होता है ना। एक्चुअली क्या ना, क्या एग्जामिनर कई बार क्या होता है उसके बाद टाइम तो होता नहीं, इतना सारे काम होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं बनाने वाले, तो उनको पता ही आंसर है, तो 11 और माइनस 5 लिख देते हैं, बाकी फिर ऐसे फिल कर देते हैं। तो कई बार वो ध्यान नहीं रखते हैं कई बार कि भाई, कई बार वो सोचते हैं कि बच्चे का कॉमन सेंस भी चेक कर लेते हैं, कि बच्चे को समझ में आता ही नहीं आता है कि कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें एक बार प्लस रखोगे और एक बार माइनस, तो आंसर में प्लस माइनस आना ही चाहिए, तो उसका भी टाइम बच जाएगा, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, सीधा टिक मार के आगे बढ़ जाएगा, तो वो भी ये चाहते हैं। ठीक है, तो कई बार ये हो जाता है। चलिए, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप देख सकते हैं इसमें वैल्यू रख के 11 रखने पर, और ये सब पता होना चाहिए कि 6 का स्क्वायर 8 के स्क्वायर से ही 10 आता है। ठीक है, एंड दिस ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। हमने चलो मेरा सोचा था कि पूरा ही करवा दें, पर बहुत रात भी होती जा रही है और मैं थक भी गया हूँ, तो आज मैंने 7 पॉइंट पूरे किए हैं, तो कुछ बचे हुए जो पॉइंट हैं जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताए थे, अगले 7 या 8 टॉपिक शायद उसमें कुछ स्टेटस के टॉपिक्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसको अपने नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ना। आई होप सो कि यहाँ जो बैठे बच्चे हैं और यूट्यूब के बच्चे सबको सन में आया होगा, आ गया, वेरी गुड। तो चलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, है ना। हाँ, और जो भी डाउट हो या कुछ नया टॉपिक हो तो आप ज़रूर लिखें, और क्वेश्चन भी हो तो उसको नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ठीक है, आई होप सो कि आप जल्दी से हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल SI जो भी एग्जाम में निकालो और यूनिफॉर्म में आके बोलो सर मैं यूनिफॉर्म में आ गया हूँ, है ना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में धमाके के साथ।